नमस्कार सतेज सकाळ को स्वागत करछि मु चिन्मय मु कमलाकांत तबे कमलाकांत आमे जोबळी बाबरे सतेज सकाळ रे प्रत्येक दिन एमिति किछि खबर आनि थाउ जहां खबर कागज रो शिरोनामा पालटि थाय सेबळे किछि खबर को नै आमे आलोचना करि थाउ तबे के वर्तमान कोन रहिछि गुरुत्वपूर्ण खबर एवं के प्रसंग रे आमे आलोचना करबा देखंतु सब न्यूजपेपर रे प्रथम हेडलाइन पालटिछि जो बात्या आसुछि अवश्य जहां वर्तमान कहा जाउछि बात्या हुए तो ओडिशा उपकूल ठू दूरे जाउछि तबे अर्गस जमीती की सदा चेष्टा करछि लोकंक स्वर हेबापाई बात्या को नहीं मध्य अर्गस चेष्टा करुछि चिन्मय जी लोकंक पाखरे पहुँचापी लोक किभली भाव में बात्या मुकाबला प्रशासन तो चेष्टा करुछि ता सहित सबुठू बड़ भागीदारी होउछि लोकंकर आउ अर्गस लगातार देखे आसुछि ग्राउंड रे किभली भाव में लोक माने निजे स्थानीय नेता माने अछंती स्थानीय संगठन अछंती एवं जो सबुठू बड़ जो रही जनता रही किभली बात्या मुकाबला करछंती से संपर्क में आमे आपन को आगु को अपडेट देखाइबू तबे प्रथम देखि नबा जो जो सैटेलाइट रे कौन रही केमती बात्या के मडे जाउछि कारण खबर कागज सहित सबुठी बात्या कथा ही रही तबे न्यूज रूम आम सहित विकास जोड़ी होती विकास सैटेलाइट कौन कहे आम तो ग्राउंड कथा जी आगु को बालेश्वर जोड़े आम सहित प्रकाश तबे सैटेलाइट कौन कहे बात्यार मूड जो रही ट्राक कौन कहे जो ओडिशा उपकूल दूरे जाऊा पाई एबे भी विपद रहिछि विकास देखंतु कमलाकांत जो भाई भाव बात्या नहीं कि गोटे आशंका सृष्टि होती गत वर्ष आप देखते हैं बात्या किभली भाव व्यापक क्षयति करता लोक मैंने निज आड़ सतर्क और सचेतन होती निज आड़ प्रस्तुति करते बात्या मुकाबला कि प्रशासन कौन से अपेक्षा नहीं कारण अनेक अव्यवस्था देखा मिलता ए वर्ष से भाव कौन व्यवस्था नहीं कि लोक मध्य से किसी उत्साह नहीं लोक मैंने निजे प्रस्तुत अच्छा और अर्गस चैनल मध्यम आम बात्यार टिकिनिक अपडेट देबू मु चित्र देखे कि बुझेवा चाहिए आम दर्शक मानकू कि भाव बात्या वर्तमान गतिपथ कौ आड़क रही 26 तारीख कथा कहुच्छ बात्यार इंपैक्ट जोन कहुच्छ बांग्लादेश एवं भारत पश्चिम बंग सुंदरबन पाखापाखि इंपैक्ट हबार चांसेस अच्छी कहुच्छी कौन परिवर्तन हुए ये हुए तो भुवनेश्वर किंवा बालेश्वर ए उपकूलवर्ती अंचल प्रभाव सृष्टि कर कमलाकांत एटी गोटे इंटरनेशनल फोरकास्टिंग सैट रही windy.com ए डिटेल्स रे सैटेलाइट माध्यम रे लाइव अपडेट आसुचे आप देखिपे ये जो चित्र आसुचे ये वर्तमान स्थिति वर्तमान जहाँ समय होपर आम वर्तमान सकाळ समय होई छी सकाळ समय रे ये स्थिति रही छी पवन आउ जहाँ बेग रही छी वायु नॉर्मल देखाउची किंतु पानीपाग विभाग आकलन करिछि जे एहा 24 तारीख मध्य सेठी एक लघुचाप रूप नब ए लघुचाप रूप नापर ता बात्या फर्मेसन आप देखिपे 23 जो चित्र था 24 को आसु आसु ता परिवर्तन होउची माने एठी आई ऑफ द स्ट्रोम जोटा से क्रिएट हबार स्टार्ट हो गलाडी एवं जा कह जाउची समय जेमते आगु जीवो ये स्ट्रोम रो रूप नबो वर्तमान ये देखौउची स्ट्रोम रो गतिपथ भुवनेश्वर रहिची एठार आपण देखि पारथबे एठी भुवनेश्वर रहिची उपकूलवर्ती ओडिसा बालेश्वर रहिची प्रभावे आडुकु आसी पारे वर्षा हबार संभावना रहिची ठीक आगुक जीवा जेमती 25 आड़क जनापड़ब जे बात्या कौ आड़क जाकलन करा जे बुधवार ठीक 26 तारीख दिन बात्याटी सुंदरबन आप देख पार ये होची बांग्लादेश एवं भारत उपकूलवर्ती अंचल एपटे पश्चिमबंग आप जापार थे ये होची बांग्लादेश ये अंचल होची सुंदरबन इंपैक्ट जोन कहुची सुंदरबन एवं पश्चिमबंग सुंदरबन बांग्लादेश एठी मिदनापुर अंचल रे कोठी कोटे इंपैक्ट हबो एने के आईएमडी पूर्वानुमान करिछि निश्चित भाव रे विकास जदियो इंपैक्ट करूछि सुंदरबन एवं पश्चिमबंग ये जगह रे जदि स्थलभाग छुंछि बात्या ताले वास्तविक भाव रे ओडिसा रो केउ केउ जिल्ला को बेसी प्रभावित करिवो निहाते देखंतु चिन्मयी जदि आमे देखिबा ये 26 तारीख रो डाटा कहूछि आपण निहाती देखि पारुथबे ये सैटेलाइट चित्र माध्यम रे ओडिसा रो केउ केउ जिल्ला को ये प्रभावित करिवो निहाते भाबे सुंदरबन आडु को जिबार गोटे चित्र आकलन करा जाउछि इंटरनेशनल फोरकास्टिंग साइट द्वारा किंतु आपण एई पटे देखुथबे पवन रो बेग एवं वर्षा केउ केउ अंचल रे जो ये होउछि उपकूलवर्ती ओडिसा ब्रह्मपुर कथा कहवा पुरी कथा कहवा पारादीप कथा कहवा भद्रक अच्छी बालेश्वर अच्छी एवं ये है सीमांत ओडिशा एवं पश्चिमबंग मध्य रही जलेश्वर सीमांत दीघा एपट अंचल बात्यार प्रभाव जनापड़ निहाती भावे जदि बात्यापटे न हुए पवन बेग अधिक वर्षा अधिक रही आउ टे देखा चाहूँगी जदि वर्षा कथा कहवा टी चेज करवा बर्षार ये हूँ वर्षा नहीं कि स्थिति जे जदि बात्या इंपैक्ट हुए 26 तारीख में तेज केउठार हे जहाँ आकलन करुच्ची इंटरनेशनल फोरकास्टिंग साइट ये सुंदरबन अंचल रही बात्यार इंपैक्ट जोन रोचे किंतु प्रभाव पड़े प्रभाव आप देख पारे ये रेड कर्नर जहाँ रेड सर्किल होती सहित किसी रंग
जहाँ कलर देखा देखा चेष्टा करा जाउची जे निश्चित भाव में विकास जेहेतु वर्तमान समय बदलवा सहित बात्यार गतिविधि बदल क्यों क्यों अंचल को प्रभाव पकड़ निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद विकास आम सहित जोड़ी होते न्यूज रूम रे पूरा आपको अपडेट देखाते ट्राक देखाते जे क्यों क्यों अंचल को बात लैंडफॉल करुच्छे सुंदरबन और बांग्लादेश स्थलभागे क्यों क्यों अंचल प्रभावित रय पर समय गढ़ा संगे संगे बात्यार बेग कण रेबे बर्तमान बालेश्वर बात्यार मुकाबला करने सठिक प्रस्तुति करहब एवं जो मैंने युव संघ रही सामाजिक संघ एम प्रस्तुति चल रही प्रस्तुति देखते चिन्मय यह गोटे शुभ संकेत कहीं देखु जी पूर्व वर्ष भितर जी बात्या आसी प्रशासन तो करूँ गोटे सब संकेत देखा मिली जो जनसाधारण अच्छा लोक मैंने से मैंने अंटा भिड़ी कौन भाव निजे बात्यार मुकबिला करेंगे कहीं या पूर्व जो बात्या प्रशासन पहुँची सत कितु से आखि दृश्य पदक्षेप नहीं ना प्रशासन तेणु लक्ष्य करके बर्तमान लोक मैंने निजे अंटा भिड़ी कि आम समस्या आम समाधान करमु तो केवल साधारण लोक नुहत विभिन्न सामाजिक संगठन ठार आरंभ कर विभिन्न राजनैतिक दलर नेता मैंने से मैंने बर्तमान निजे पूरा प्रस्तुत कि जितेबाला यश आसव तो आम निजे मुकबिला करवा तो प्रशासन को आम अपेक्षा करवा ना प्रशासन भी देखिए बर्तमान पर्यटन प्रस्तुति होती कितु जो ग्राउंड जीरो जो तली अंचल उपकृतवर्त अंचल अच्छी केवल निर्देश दे से नजर रखापी और कार्य नापी कितु से सब अंचल बर्तमान लोक मैंने एत सचेतन निजे आगभर है कि आम कौ भाव बात्या जो आसो से जो समस्या देखादे से समस्या को आम केमी समाधान करमु ता निजे को निजर दायित्व बोली भाविक बर्तमान समस्त गोटे प्रकार अंटा भिड़ी कि बात्या यश आसू ए तार आम मुकबिला आम सब करूँ तो यह दृष्टि देखने बालेश्वर जिले में जो उपकूलवर्ती अंचल गाँव गुड़िक अच्छी से गुड़िकर गाँव गुड़िकर युवक मैंने जो अच्छा जो संगठन मैंने अच्छा से मैंने बर्तमान गोटे प्रकार गोटे बार गोटे गोटे कमिटी सब कले गोटे गोटे संघ करते कि जब बात्या आसो यस ता पूर्व प्रस्तुति बर्तमान होती सहित आर गोटे भल कथा जाए कि बात्या पूर्वर तो आस बात्या कौन क्षति घटेब ता आकलन करें कि परवर्त समय किमी आम मुकबिला करवा तो से नहीं लोक मैंने बर्तमान निजुक निज प्रस्तुति आरंभ करदे तो यह दृष्टि जब देखिए बालेश्वर जिले में आम कह जो कथा कहुच यदि यश आसे जदि सुंदरबन पाखे जदि लैंडफल करे स्थल भाग छुए तो आम कह दीघा बाल्यापाल बस्ता ब्लक सदर जो रेमुणा ब्लक गुरुत्वपूर्ण कथा ओडिशावासी जेहेतु पूर्वर अनेक बात्यार मुकाबला कर बात्या को अति पाखरु देखी तार काया रूप जो बर्बरता को देखी से लोक माने निजे प्रस्तुत होती जो सामाजिक संगठन राजनैतिक संगठन युव संगठन समस्त एकजुट होती कि भाव में बात्यार मुकाबला कारण प्रशासनिक स्तर में अनेक समय अवहेला देखाई जदि देखा बात्या आश्रयस्थल कथा सब बात्या आश्रयस्थल आनुषंगिक व्यवस्था सठिक न था वर्तमान कोविड समय किभली भाव में यह मुकाबला एथपाई लोक मैंने प्रस्तुति चल बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश आपणकर समस्त सूचनापाई बालेश्वर प्रकाश जोड़ी होते हैं बात्या संपर्क में आमको सूचना देते कि रही प्रस्तुति कितु के देखूँ जेहेतु पेपर में जो खबर गुड़िक रही भितर रही 166 किलोमीटर बेगर पवन आशंका करुशियार रही उपकूल ओडावर्ती लोक कह तेब या भितर आउ गोटे कथा आसुची जे 26 रे भद्रक रु मेदिनीपुर मध्यरे छुईब स्थलभाग बात्या केन्द्रापड़ा भद्रक रे घसी होइजिबार मध्य संभावना रही या सहित जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक बालेश्वर मयूरभंज अधिक प्रभाव रहिबो ओडिशा रे अति प्रबल वर्षा हेबो पवन बहिबो मुकाबला राज्य सरकार प्रस्तुत थिबा बेले लोक माने मध्य प्रस्तुत होती कोविड कटकणा रे बात्या आश्रयस्थल वर्तमान रखा जाए के ये थिला तो खबर कागज रे कौन सब निया किंतु ग्राउंड रे रही थे आम प्रतिनिधि माने से माने मध्य ताजा अपडेट आम सहित दौले कि परवर्ती खबर को जी कि समय हो ब्रेक र
ब्रेक पर पुणि थे स्वागत चिन्मयी आम जमी आलोचना करते विभिन्न खबर कागज कौन रही बड़ खबर आगुक अनेक अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर भी रही तेज गोटे भल खबर एवं जीवा जे भुवनेश्वर में 12 दिन शिशु को गोटे नुआ जीवन मिली गोटे विरल अस्त्रोपचार से संपर्क में अधिक आलोचना सुशांत आम सहित आज किसी समय जोड़ी हे तेब जो रही शिशुटी 12 दिन शिशु रही है से निश्वास नहीं पार नाला और बहुत क्रिटिकल थिला तबे वर्तमान से सुस्थ होई छी एवं हॉस्पिटल डिस्चार्ज मध्ये होई छी जहाँ रही छी सूचना रही छी तार छाती आउ पेट भितर थिबा डायाफ्राम रे एक बड़ छिद्र होइतिला सेथिपई से निश्वास नै पा नथिला तो पुणी अम्लजान स्तर भी देखंतु 40% को खसी आसीथिला एबडी स्थिति रे शिशु को जो नुआ जीवन मिली छी अनेकंक पई एटा गोटे आशार आलोक जे एभली बड़ रोग होइतिले भी आम ओडिसा रे ठीक होई पारुछि तो एने आम जीवा सुशांत को निकट को जीवा सुशांत एटा गोटे निहाती गोटे भल खबर एटा गोटे निहाती गोटे भल खबर तेबे कौन कहिबे किभली अस्त्रोपचार थिला एबे शिशुटी जहाँ रिपोर्ट कहुछि सुस्थ अछि तेबे अधिक अपडेट कौन रहिछि सुशांत देखंतु के आमे मध्य पूर्वरु देखिचे अनेक मध्य उदाहरण देखिचे ओडिसार जतक हॉस्पिटल रही है विभिन्न हॉस्पिटल को कथा मध्य देखिचे समस्ते कोटना कोटे देखिबे विभिन्न प्रकार गोटे गोटे विरल अस्त्रोपचार करिछंती एवं से सब मध्य सेमाने जणै थांती किंतु गतकाली जोटा सम हॉस्पिटल जो करिछंती जो अस्त्रोपचार विरल अस्त्रोपचार निहाती भाबे गोटे प्रथम रो कथा होची से जो शिशुटी जो 12 दिन शिशु जहाँ को सेमाने मृत्युमुखरु बंचाइछंती एवं ता पूर्वरु से हॉस्पिटल को आसिया पूर्वरु प्रथम 10 दिन से शिशुटी अन्य गोटे स्थान में चिकित्सित होता जोटा कि सम्र डाक्तरी टीम कहते आउ गोटे जितेबाला भी शिशु आसी सब जितेबाला हस्पिटाल पहुंची यहीटा पाखे सबुठ बड़ चैलेंज थी शिशुर जो अक्सीजेन लेवलटा रही है अक्सीजेन लेवलटा को किमी मानने जोटा कम थीटा कि हाए करेंगे सहीटा सब बड़ चैलेंजिंग थी कही आउ गोटे आप जोटा कि सूचना दौले छाती पेट मध्य जो गोटे बड़ कणा रही है सहीटा गोटे जन्मगत कौन त्रुटि जो सेमती है जहाँ डाक्तरी टीम कहते से शरीर में समस्या देखा देखाई और जहाँफल जो ऑक्सीजन लेवल थी से ऑक्सीजन लेवल बहुत कम जोटा कि 40 आप कहते से 40 रे रही जाता जहाँफल जो श्वास श्वास प्रश्वास नवे बहुत असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ता शिशुटी को निहत भावे कह गल से प्रथम 10 दिन अन्यत्र कौटी गोटे चिकित्सा होते कि सम हस्पिटाल को जितेबाला आसते सम्र जो डाक्तरी टीम रही गोटे चैलेंजिंग सहित नहीं कि सफल भाव में अस्त्रोपचार करपारिंत शिशुटी को गोटे कह गल एक प्रकार नुआ जीवन देते बर्तमान शिशु सुस्थ अच्छी शिशुटी वर्तमान सुधा कह गले संपूर्ण सुस्थ थिबा एक प्रकार सुस्थ अच्छी बोली सम्र जो हॉस्पिटल कर्तृपक्ष कहिसेंती के निहाते ओरे सुशांत बहुत बहुत धन्यवाद एतो गुटे भलो पॉजिटिव खबर सकाळरु तबे चिन्मयी आ परे कोन रहिछि खबर रहिछि निश्चिंत भाव में के जमी आपते सम्रे जो 12 दिन सब गुरुत्वपूर्ण कथा जो 12 दिन शिशु कथा कहुची आउ तार सफल अस्त्रोपचार समस्त को आश्वस्ति दे गोटे खबर रही बर्तमान आप जानते पूरी श्रीमंदिर रथ निर्माण कम चली कारण रथजात्रा को आउ खूब कम दिन रही जदिव पूर्व वर्ष यह आस आशंकर किंतु चलित थर यह पूरा आरंभ ही पूरा क्लीयर होता जे रथ निर्माण कम आरंभ हो सठिक समय निर्माण कम आरंभ होता जो सेवक मैंने रही है जो कारीगर मैंने रथ निर्माण कार्य नियोजित होती से कोविड पॉजिटिव कोविड रिपोर्ट आसीला सेगेटिव थे से संपूर्ण भाव में आरटीपीसीआर टेस्ट होता कि वर्तमान जो खबर आसला जे 18 जन वर्तमान पॉजिटिव चिन्हट होती जहाँ को नहीं बर्तमान आशंका रही जदि समस्त जो सेवायत मान रही कारीगर रही जदि एम पॉजिटिव आसे कौटिना कौटि रथ निर्माण कार्य विलंब हो पाए एथपाई वर्तमान प्रशासन एक सबुठ गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं बायो बबल बल रथकला ये बर्तमान सब खबरकगजर शिरोनामा पलटि जे बायो बबल बल रथकला रही कोरोना संक्रमण रोकवाई बायो बबल व जैव बल भितर सुरक्षित रथकला एथपाई व्यवस्था हो गत काली श्रीमंदिर जे रही मुख्य प्रशासक डॉक्टर कृष्ण कुमार से सूचना देते नहीं रथ कारीगर मध्य आनंद देखाई कारण से वर्तमान बायो बबल बल भितर रे से कोरोना संक्रमण आशंका खूब कम रितर से आपर्त रथ निर्माण कम न सरी से माने आउ कहा सहित मिसामिशी करें ना ये से अलग रही सेवक को भक्त नवास रखापी वर्तमान व्यवस्था कर प्रशासन तरफ कौन रही पूरा घटना एथपाई आम सहित पूरी रु जोड़ी होती आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष जोड़ी होती आलोक वर्तमान एक खुशी खबर जो मैंने रथ निर्माण काम नियोजित होती जो सेवायत मैंने जो कारीगर मैंने जेहेतु बायो बबल रतमान से
ବାୟୁ ବବଲ ବଳୟରେ ରଥଖଳାକୁ ରଖାଯାଉଛି, କୋଠି ନା କୋଠି ସଂକ୍ରମଣର ଖୁବ୍ କମ୍ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। निश्चित भाव चिन्मय आप जानते कोविड कटका को दृष्टि रखिक रथ निर्माण कार्य जो सेवायत मैंने नियोजित होती से रथखला संपूर्ण रूपए बर्तमान रथखला को बाय बबल व्यवस्था लागू कर रथखला को संपूर्ण निषेधांचल भाव घोषणा करा सुरक्षा बलय रथखला रही कौन बाहर लोक जो भाव रथखला भितर प्रवेश न करेंगे से विशेष ध्यान दी केवल रथ निर्माण में जो संपृक्त सेवायत मैंने रही महाराणा सेवायत हूँ भू सेवायत हूँ करती सेवायत हूँ सेने केवल रथखला ଭିତରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯିବେ। ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେହେତୁ ରଥଖଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠୁଛି, ରଥଖଳା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବାୟୋ ବବଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଜୈବ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରଥଖଳା ରହିଛି, ରଥଖଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ଯିବେ, କେବଳ ରଥଖଳା ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଛଡ଼ା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯିବେ। କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ, କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ରଥକଳା ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରଥଖଳାର ଏବଂ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ କିଭଳି ଭାବେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ରଥ ନିର୍ମାଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ, ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ 18 ଜଣ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ସେବାୟତମାନେ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 12 ଜଣ ମହାରଣା ସେବାୟତ ଏବଂ 6 ଜଣ ଭୋଇ ସେବାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 18 ଜଣ ସେବାୟତ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ N95 ମାସ୍କ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରଥକଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ରଥକଳାର ଯଦି ଆମେ କାମ କଥା ଚିନ୍ମୟ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ସମୁଦାୟ 42 ଗୋଟି ଚକା ରହିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ରଥ ପାଇଁ ଚିନ୍ମୟୀ ସମୁଦାୟ 42 ଗୋଟି ଚକର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହି 42 ଗୋଟି ଚକା ପାଇଁ 42 ଗୋଟି ତୁମ୍ଭର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। 42 ଗୋଟି ତୁମ୍ଭରୁ 40 ଗୋଟି ତୁମ୍ଭ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସୂତାବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଧ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ତୁମ୍ଭରେ 32ଟି ବିନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ 16 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବିନ୍ଧ କରାଯିବ। ସେହି ବିନ୍ଧରେ ଅର ଏବଂ ପହିକୁ ସଂଯୋଗ କରାଗଲେ ଚକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହେବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରଥକଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେମିତି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବାୟୋ ବବଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ କରୋନା କାଳରେ IPL ବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଚିନ୍ମୟ ଏଭଳି ବାୟୋ ବବଲ କଥା ଦେଖିଥିଲେ, ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ଆଜି ଖବରକାଗଜର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିବା ଖବରକୁ ନେଇକି। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କେକେ, କିନ୍ତୁ କେକେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ଯେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଏ ଖବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁକ୍ରବାର ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବାରଣାସୀରେ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କରୋନା କାଳକୁ ସେ କରୋନାର କରାଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେକେ, ଯେ ଯେଉଁମାନେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ଜୁଟାଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଉଥିଲେ। ଏ ଖବରଟି ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଗଗନ। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ସଙ୍କଟ ସମୟ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ VC ଜରିଆରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, କୋଟି ନା କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏହା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଉଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ମୟୀ, ପ୍ରଥମେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ବିଏମ୍ ସ୍ତରୀୟ ହଉ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ତରୀୟ ହଉ, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସ୍ତରୀୟ ହଉ ବା ଟୀକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବେ ସନ୍ତୁଳିତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, କାରଣ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ସତ୍ୟ, ନିଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେହେତୁ ସେ ସେଠୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ତେଣୁ ଗତକାଲି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ
सहित आलोचना कर सारा भारत वर्ष को गोटे मेसेज देखते जो भाई ढंग से जो पारामेडिकल स्टाफ कहतु डाक्तर स्टाफ कहतु से निज जीवन को उत्सर्जित करके अनेक आत्मीय सृजन को हरी केवल सी नुहे साधारण परिवार लोक जो मैंने बाहर रोले काम करते अनेक पर चुली लिपि जाइए तार कह पारिक स्थिति बर्तमान संपूर्ण रूपे बिगड़ी जाइए तेणु ये महामारी एक अदृश्य रूप से बर्तमान आसी दीदी कहे सब बर्तमान भयंकर रूप से बर्तमान से अग्रसर हो स्थिति आहरी आमको निज को मुकबिला कर रणनीति में चेंजेस कर आवश्यकता पड़ी किसी कथा कहला बेले प्रधानमंत्री निश्चित भाव भावविल पड़ते खास कर आउ गोटे बड़ा मेसेज देखते आज दिन में पारामेडिकल स्टाफ कहतु डाक्तरी स्टाफ कहतु से सुस्थ अच्छा केवल से दुईट डोज टीका नहीं थी सुस्थ रही बहुत कम संख्य अफेक्ट होती प्रथम लहर तुलन में तेणु से ही अनुसार सब वर्ग लोक को किसी दिन अपेक्षा करने को निश्चित भाव सारा भारत में जेहेतु जनसंख्या अधिक रही तेणु टीका उत्पादन को बर्तमान प्राथमिकता दि जाऊँगी तेणु धीरे धीरे आस्ते आस्ते जी कह टीका उत्पादन सहित लोक टीका पहुंचे और द्वितीय कथा हूँ जो ब्लैक फंगस कथा कहते तेणु ये बर्तमान एक अदृश्य महामारी शत्रु भाव में बर्तमान पुणी थे आसी पहुंची कहीं लोक देखुल प्रधानमंत्री किभली देशर जो करोना स्थित रही भावविहल हो पड़ते काली जो बार्ता दौले से प्रधानमंत्री निश्चित भाव देशवासी दुख सहित निजे भी सामिल होते कांदि पकड़ते गगन बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त सूचनापी तेज बर्तमान आउ गोटे चिन्मय आ गए बड़ खबर रही जोटा कि रायगढ़ विषम कटक आसान नियमगिरी जो 62 जन डंगरिया नमूना दि जाइला टेस्टिंग ताधर 46 जन पॉजिटिव आसी जोटा कि गोटे मुंडार कारण सहित आ गए बड़ अभोग आ प्रशासन जो किंजाम जोड़ी जो पहाड़ पर जो गाँ रही 10 किलोमीटर दूर रही विभाग अधिकारी वर्तमान पर्यंत भी सेठे पहुंची ना तेज सीधा सीधा जीवा ग्राउंड अच्छा रिपोर्टर अजय रथ रही अजय कौन रही अधिक अपडेट प्रशासन वर्तमान पर्यंत पहुंचला ना ना गोटे बड़ चिंतार कथा 62 रु 46 जन पॉजिटिव हाँ देखु कमलाकांत नियमगिरी जदि कह सेठार बसवास करती आदिम जनजाति डंगरिया कंद प्रथम अलरी में जितेबाला कोरोना पाद थापी कौन सी प्रकार कौन सी मत मत डंगरिया अंचल को प्रवेश कर पार्ला किंतु द्वितीय लहरीर कथा कह वर्तमान जिला प्रशासन पर बहुत बड़ चिंतार कारण पलटि केवल विषम कटक ब्लक नुह कल्याण सिंहपुर ब्लक्र सुनाखंडी पंचायत पारसाड़ी पंचायत मुनिगुड़ा ब्लक नियमगिरी पहाड़ जहाँ रही तीनोट ब्लक को टच करुद्वारा कि विभिन्न तीनोट ब्लक्रु प्रशासन तरफ जो तलिया अंचल अच्छी सेवा सेठारे ही तलिया अंचल में वर्तमान प्रशासन पहुंची से जहाँ कार्यक्रम जहाँ सेवा शुश्रूषा जहाँ चेकिंग स्वाब टेस्ट गुड़ाक सब आरंभ होती किंतु एमती कि अंचल अच्छी जो जगह कि वर्तमान सुधा प्रशासन अपहंच गत काली एने आम जिलापा सहित आलोचना करूँ गत काली घंटे सुधा जिलापा जहाँ सूचना दूसरे एवं गत विषम कटक ब्लक जो 46 कहते टोटाल नियमगिरी अंचल जदि कह तीनोट ब्लक्र गोटे काली घंटे सुधा 77 पजिट चिन्हट रही जिलापा सरोज कुमार मिश्र सूचना देते किंतु आपड़ कह अनुजाई जो किंजामजड़ी कथा कह केवल किंजामजड़ी नुह एमती अनेक अपहंच इलाका अच्छी सेठे बर्तमान सुधा प्रशासन पहुँच पारिना यह निश्चित भाव में प्रशासन पर एक बड़ चैलेंज होती कमलाकांत निश्चित भाव में गोटे बड़ चैलेंज चिन्मय तेज आगो को कौन रही जो रही गेस्ट आसवे प्लस आम हेडलाइंस भी रही तेज वर्तमान समय हो गए ब्रेक र्रेक पर आम फिर ब्रेक परे स्वागत सतेज सकाल रे वर्तमान समय होइछि किछि गुरुत्वपूर्ण हेडलाइंस रो राज्य रे कमुनी दैनिक मृत्यु संख्या आज 26 मुंड नेला कोरोना 11108 पॉजिटिव दिनठ खोर्धार सर्वाधिक 1451 आक्रांत आज लघुचापर रूप नेब बंगोपसागर सृष्टि घूर्णिबलय 24 रे अधिक घनीभूत होइ नै पारे बात्यार रूप 26 रे सुंदरबन और बांग्लादेश मध्यरे छुई पारे स्थलभाग अलर्ट रे उपकूलवर्ती जिला संभाव्य बात्या यस को नहीं बढ़िला चिंता सामाजिक संगठन और साधारण लोकों प्रस्तुति बात्या को मुकाबला पाई सरकार को सजबाज
एयर इंडिया रे बड़ धरणर साइबर हमला 45 लाख पैसेंजर ग्राहकों डाटा लीक ना पासपोर्ट सहित क्रेडिट कार्ड तथ्य लीक होता सूचना लीक पक्षर कारण खोजी विमान संस्था। साइक्लोन ताउतेर क्षतिग्रस्त कर्मचारी ओएनजीसी बड़ घोषणा उद्धारों को दिजा 1 लाख मृत तथा निखोज परिवार को 2 लाख सहायता रेस्क्यू ऑपरेशन रे 186 जन उद्धार 51 मृत एवं भी निखोज अच्छा 24। राज्य में केते वेंटिलेटर अच्छी कह राज्य सरकार को बीजेपी साधारण संपादक गोलक महापात्र प्रश्न पीएम केयर ओडिशा को आसीता 567 वेंटिलेटर तथ्य मागिले ट्वीट कर विजयपुर रे कबाड़ा आंबुलांस को नहीं श्रम मंत्री कारनामा फिटनेस नहीं हेले रंगबोली करदे लोकार्पण मंत्री को जिलावासी प्रश्न कहीं ठेली दौ आमको मरण मुह को आरब सागर में जहाजरे बुड़ी ओडिया युवकों मृत्यु घटना केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान हस्तक्षेप परे पहुंचला मृतदेह धर्मेन्द्र को धन्यवाद जणाइले ग्रामवासी गाँव में शोकाकुल परिवेश। शेषे नंदनकानन नवासी वर्चुआल रे मजा ने दर्शक वेबसाइट और सोशल मीडिया रे देखा मिली मजादार वीडियो महामारी को दृष्टि रे रखी सबुदिन नंदनकानन को सानिटाइज। तेब चिन्मयी ए तो थिला हेडलाइंस थिला आमे खबर कागज कथा भी देखाउथिले तबे जेमती कि आमे प्रतिदिन गोटे एभली प्रतिभा को सामना आणुची हुए तो से लोकलोचन को एत आसी नहांती किंतु तांकर प्रतिभा रही आज से भली जने प्रतिभा आम सहित जोड़ होती अवश्य से वर्तमान भी पॉपुलर होती रवि रतन आम सहित चिन्मयी रही संगीत निर्देशक गायक तेब केवल संबलपुरी नुहे ओडिया से निजर चलवा देखाई तेब बेसी डेरी करबानी सीधा सड़क रवि रतन पाखक जावा सर आपण को अर्गस न्यूज को स्वागत करुचु तेबे आपण को 500 अधिक संगीत निर्देशना दे गीत भी गाई आपण सहित आम आगे तो आलोचना निश्चित करिया किंतु मुझे चाहिए जे आरंभ गोटे गीतर ही हो आपणकर जो संबलपुरी हो ओडिया हो जो भाव में अनेक हिट गीत देखते भितर गोटे गीतर ही आपण मुहर आम शुणा चाहे प्रथम प्रथम तो अर्गस चैनल को धन्यवाद दूसरी डाकि थ तापर मो गीत आरंभ करुच्छे मु प्रथम गोटे भजन टे गाँव से भजन टा है मागो मोर मास मले कैजे अचु मुह के फुले मागो मोर मास मले कैजे अचु मुह के फुले रचे रचे आमे मातर छुआ रचे रचे आमे मातर छुआ तोर बिने जिमु आरु काही मोर मागो कैजे अछु मुह के फुले मागो मोर मास मले कैजे अछु मुह के फुले मागो मोर मास मले कैजे अछु मुह के फुले। बहुत सुंदर थिला रवि रतन आपणकर गीतटी जेहेतु पश्चिम ओडिशार अधिष्ठात्री होछंती मां समलेश्वरी तांको पाखरु ही आपण गीत स्टार्ट करछंती खूब सुंदर लागिला तबे वास्तविक भावरे ये संगीत दुनिया को आपणकर एंट्री बा आपण प्रथम गीत गाउथिले एबे संगीत निर्देशक एते बड़ अचीवमेंट मध्ये केमिति रहितिला जर्नी सर मु ड्यूटी करे मु पीएचडी सर्विस करे तार बारे मु किछि संगीत करे टाइम देखे आउ इन द टाइम देखे प्रोग्राम करे आउ निश्चिंत भावरे तबे वर्तमान आपण कोठी ये सब प्रोग्राम करंती जेमती स्टेज शो हो किंबा कोनोसी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सेबळी कोठी कोठी जगह रे आप परफॉर्मेंस दियंती मु तो अनेक क्लब रे जोडित अछि कला केंद्र रे थेली झंकार रे थेली अनेक एंती संस्था आज मु सब रे जोडित अछि अनेक जगह प्रोग्राम जैसे ऑल इंडिया लेवल प्रोग्राम कर देखु वर्तमान कोरोना समय चली द्वारा प्रभावित होते कारण अनेक कलाकार जो मैंने केवल फिल्ड में काम कर नुहे ये संगीत कथा कहतु से बहुत प्रभावित होती आपड़ यही स्थित कौन कर
କାରଣ ବୋଧ ହୁଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯାଇ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବ, ତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହସାଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆସିଛି ଆପଣ ପାଦ ବାହାରୁ କାଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେମିତି ଯେଉଁ ଗୀତ ଆଉ ସାଧନା ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାର୍ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ତ କିଛି କରୋନା ସକାଶେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉନି ସାର୍, ଆମେ ଘରେ ରିହାଜ କରୁଛୁ, ଘରେ ଗୀତ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଘରେ ରହି କାମ କରୁଛୁ ସାର୍, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ତ ଯାଇ ହେଉନି, ସବୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ଅଛି କରୋନା ସକାଶରେ, ସବୁ ଘରେ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବା ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏମିତି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ହିଁ ଆମ କାମ ସବୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ। ଜାଣି ମୁଁ ନଥିଲି ଏମିତି ଯେ ହବ, ଗେଲ ହେଉ ହେଉ ପ୍ରେମ ହେଇ ଯିବ, ଏ ପ୍ରେମ ହେଇ ଗଲା ତୁମରି ଠାରେ, ଏ ମନ ରହି ଗଲା ତୁମରି ଠାରେ, ଓ ଜାଣି ମୁଁ ନଥିଲି ଏମିତି ଯେ ହବ, ଗେଲ ହେଉ ହେଉ ପ୍ରେମ ହେଇ ଯିବ, ଏ ପ୍ରେମ ହେଇ ଗଲା ତୁମରି ଠାରେ, ଏ ମନ ରହି ଗଲା ତୁମରି ଠାରେ। ନିହାତି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଗୀତଟି। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ, ଆହୁରି ବି କିଛି ମନଛୁଆଁ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ତେବେ ଚିନ୍ମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମୟ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆଉ ଆଉ କିଛି ଗୀତ ଶୁଣିବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ବା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଛନ୍ତି ରବି ରତନ ବାଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ରବି ରତନ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କେବେଠୁ ଆସିଲା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା କମସେ କମ୍ 89ରୁ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ହାରାହାରି ମୁଁ 600-700 ଗୀତ ଗାଇଥିବି। ତେବେ ଘରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, କାରଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି? ଘରେ ମୋର ଯିଏ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ମୋ ସଙ୍ଗୀତରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ସେ ମୋତେ ଅନେକ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି, ମୋର ୱାଇଫ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ। ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ ଦୁଃଖ ରହୁଛି ଯେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆଲବମ୍ ଯାକ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଆଲବମ୍ କରିକି ରୋଜଗାର ବି କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ନା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ମାନେ ସେତିକି ମିଳୁନି ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, କେବଳ ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପହଞ୍ଚିନି, ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆ ତାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେଟା କ୍ୟାସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁନିଆ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲୁଛି ସେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଆଉ ତ କିଛି ଆଉ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ହେଉ ବା ଫେସବୁକ୍ରେ ହେଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଗୀତ ଏବଂ ରାତାରାତି ତାକୁ ପରିଚୟ ମିଳୁଛି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ, ଆପଣ ତାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନା ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନା ଏଇଟା କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ କଷ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ଏଥିରୁ ମାନେ କିଛି ମିଳୁନି, ଆପଣ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ପଇସା ମିଳୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରୁ, ଆଉ କିଛି ସେମିତି ଚାଲିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ପଇସା ମିଳୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ।
निश्चित भाव में तेज रवि रतन कथा तो जारी रहा किंतु शुणा आउ गोटे सुंदर गीत आमकू हेले देख तो केबे गाय रे चमेली हाय हाय ए चमेली हाय 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 चमेली हाय हाय ए चमेली हाय 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 नुआ हीरो देख करी हसी देसु मूल करी आमकू हेले देख तो केबे गाय रे चमेली हाय हाय ए चमेली हाय 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 चमेली हाय हाय खूब सुंदर थिला रवि रतन आशा करबा जे जेतु जदि जानिबा संबलपुरी गीत भितरे रंगवती जे कि संपूर्ण भाबरे अंतर्जातीय स्तर रे पहुचिछि अनेक लोक ताको भल पाइबा दैछन्ति आपनको कंठरो रंगवती गीत टिके सुनिबा ए रंगवती रे रंगवती रे रंगवती रे रंगवती রঙ্গবতী কোন কলতা অসিপদে কহল কথা এ রঙ্গবতী রঙ্গবতী কোন কলতা অসিপদে কহল কথা হয়ে গলা যে লাজে গোলা যে লাজে হয়ে গলা যে লাজে গোলা যে লাজে এ লাজে লাজে নাই যাউছে মথা গো নাই কর নাই করথা এ লাজে লাজে নাই যাউছে মথা গো নাই কর নাই করথা খুব সুন্দর লা এই গীতটি তো আমা নুহে সারা বিশ্বরে প্রচারিত হয়েছে এবং ওড়িশার গোটে পরিচয় হয়ে যাই বই কহিলে অত্যুক্তি হবে না তবে আগুক আমি আপনার কম আশা করবে যে আপনার ফ্যান্স রয়েছে যে আপনার শুণুছেন সে কম আশা করবে আগুক কম সেমি গোটে কিছু হিট গীত আসবে যাচ্ছি বা আপনার নেক্সট প্রোজেক্ট কম রয়েছে গেলে মাগো মো মোর সুনা মাগো মো গেলে মাগো মো মোর সুনা মাগো মো দশ মা ধরি রাখিলু পেটে কেতে দুঃখ পাই জন্ম দেলু মতে তুই তো গো ভগবান তুই মোর ভগবান গেলে মাগো মোর মোর সুনা মাগো নিহতি খুব ভাবে যে মাকে নিয়ে যে ভাবনা রয়েছে তাহা গীতরে নিহতি ভাবে জনা পড়ছে তবে আগুক কম প্ল্যানিং রয়েছে কিছু সিনেমা করিবার প্রোজেক্ট হয়েছে কি সুযোগ মিলছে কি না ভাবিছেন কেবল এইথরে নিহতি ভাবে সমস্ত বি চাইবে সিনেমারে সুযোগ মিলু তবে আপনার নেক্সট প্রোজেক্ট সেমি কিছু রয়েছে বা কিছু আগুক প্ল্যানিং রয়েছে না বিশ্ব দরবারে আউ কোটি বাহার কু যাইকি যে আপনার সঙ্গীত রয়েছে সম্বলপুরী কথা কুহন্তু আমার ফোক মিউজিক যে রয়েছে তাকে প্রচার করা আগুক কিছু প্ল্যানিং রয়েছে ସାର୍ ପ୍ଲାନିଂ ତ ରହେ ସାର୍ ସାର୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ସାର୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଫିଲ୍ମରେ ଗାଇବା ଫରେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ଅନେକ ଜାଗାରେ ନାଁ କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହେ ସାର୍ ଚାଲିଛି ସାର୍ তবে আমি শুনে আপন ভজনরু আরম্ভ করে কিশম পূর্ব আধুনিক কথা বি আমি শুনে তবে আগুক আমি আপনার শুনে চাইবু ভজন এবং চিন্ময় আধুনিক কথা শুনে রঙ্গবতী বি আমি শুনে সারে তবে বর্তমান সময় হচ্ছে গোটে ব্রেক্র ব্রেক পরে আমি খুব শীঘ্র ফেরছু ସ୍ୱାଗତ ସତେଜ ସକାଳରେ ଆଜିର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ରବିରତନ ବାଗ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେବେ କେକେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ରବିରତନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି ତେବେ ରବିରତନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ବୁଝାଲେ ନାହିଁ ବୁଝୁଛେ যেতে মনালে নাই মানুছে ই মোর পাগলা মন
କେନ୍ତା କଲେ ପାଇମି କହ ମୋର କାଲିଆ ଧନ ଯେତେ ବୁଝାଲେ ନାଇଁ ବୁଝୁଛେ ଯେତେ ମନାଲେ ନାଇଁ ମାନୁଛେ ଇ ମୋର ପାଗଲା ମନ କେନ୍ତା କଲେ ପାଇମୁ କହ ମୋର କାଲିଆ ଧନ କେନ୍ତା କଲେ ପାଇମୁ କହ ମୋର କାଲିଆ ଧନ ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ତ ଗୀତ ତ ଶୁଣୁଛେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଲୁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁହନ୍ତୁ ବା ସମ୍ବଲପୁରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଏବଂ ଆପଣ କାହାକୁ ମାନନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ହେଉ ଟିଭି ହେଉ ଖୋଲି ବସିଥାନ୍ତି ଯେ ୟାଙ୍କ ଗୀତ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଶୁଣିବି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କେ ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ଗାୟକ କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀରାମ ଲୋହୁରା, ଆଉ ସେ ଭଲ ରାଇଟର ସେ ସଙ୍ଗୀତକାର, ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେବେ ଆପଣ କାହାକୁ ମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ବା ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୀତ କରନ୍ତି କି? କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତେ ନିଜସ୍ୱ ଫିଲ୍ଡରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମନରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତି କି? ସେ ଆର୍ ଡି ବର୍ମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଣା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଲେଜେଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ପ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଲେଖିବି ବା ତାଙ୍କ ଭଳି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବି, ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି କିଏ? ସାର୍ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ସାର୍ ତେବେ ଆପଣ ମହମ୍ମଦ ଅଜିତଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନେ ଅଛି ମହମ୍ମଦ ଅଜିତଙ୍କ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସେ ମହମ୍ମଦ ଅଜିତଙ୍କ ସେଇ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଯେଉଁଟା ରହିଯାଇଛି ସେ ଗୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। आज कल याद कुछ और लगता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ସେତିକି ଦଖଲ ରହିଛି, ମହମ୍ମଦ ଅଜିତଙ୍କ ଗୀତ ଆପଣ ଗାଉଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ନା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ନା ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ନା ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଗୀତ ଆପଣ ଗାଇଛନ୍ତି କି? ସାର୍ ସେଟା ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ସାର୍, ସେଟା ଛତିଶଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଗାଇଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାଇଛି, ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଗାଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରବି ରତନ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆପଣ ଆଜିର ବା ସତେଜ ସକାଳର ଅତିଥି ଥିଲେ, ଆମକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତକୁ ନେଇ, ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଗୀତ ଥିଲା। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯଦି ଦେଖିବା ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ଏବଂ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଗୀତ ଆଉ ଏବଂ ମା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଦର୍ସ ଡେରେ ଗୀତ ଥିଲା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିବାରୁ। ତେବେ କମଳାକାନ୍ତ, ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସତେଜ ସକାଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିବା ଖବରକୁ ନେଇକି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ରହିଥାଏ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଏବଂ ତାପରେ ରହିଥାନ୍ତି ସକାଳର ଅତିଥି ଯିଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କମଳାକାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା।